नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं ओजस अधिया जी। और यूं तो आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं, युवा हैं बहुत, लेकिन बेहद शानदार तबला बजा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, सबने ये कहा है कि उनका तबला एक बार सुनिएगा जरूर। और हाल ही में मुझे वो मौका मिला तो ये बातचीत का संयोग भी वहीं से निकला। ओजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच शिवेंद्र जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि उस दिन हमारी पर्सनली मुलाकात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इट्स सो गुड टू कनेक्ट विथ यू हियर। नहीं, तो उस दिन तो आपने जो जादू किया या आपकी उंगलियों ने जो जादू किया, उस पर जितने भी लोग मेरे आसपास बैठे थे जिनको ये पता है कि मुझे थोड़ी बहुत संगीत की समझ है, वो भी कह रहे थे कि यार ये तो कमाल बजा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है जब आप एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार के साथ बजा रहे हो तो लोगों का एक्सपेक्टेशन सिर्फ उस प्रतिष्ठित कलाकार से रहता है, उसको लगता है हम जरी खास आपको सुन रहे हैं। लेकिन अगर साथ वाला भी कोई जादू कर दे तो वो फिर सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। जी जी, नहीं वो बस कोशिश है, और ये तो सारे जितने भी बड़े कलाकारों के साथ या उस्तादों के साथ बजाने का मौका मिलता है, ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है कि हम जैसे अपकमिंग कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को जो इतने सालों से सीख रहे हैं और क्लासिकल म्यूजिक को पूरी तरह से यू नो सीख के बजाने की कोशिश कर रहे हैं, सबका उनका आशीर्वाद है। और that's all I can say. अच्छा ओजस, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपके पिताजी ने तो जब आप 2 साल के थे उस उम्र में आपके उस हुनर को पहचाना कि ये बच्चा तबला बजा सकता है। क्या थी वो घटना, क्या कुछ याद है या क्या कुछ बताया जाता है आपको उस दिन के बारे में? जी जी, जैसे मेरी माता जी और पिताजी, मैं आकोट का रहवासी हूँ। आकोट एक बहुत बहुत ही छोटा सा टाउन है जो है अकोला के पास महाराष्ट्र में। तो वहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे, हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं स्वामी मुक्तानंद जी, स्वामी चिदिलासानंद जी के सत्संग में ले जाया करते थे बचपन से, जब से मेरा जन्म हुआ तब से। और वहाँ जैसे ही सत्संग होता था तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं 6 महीने का था तो मैं उनके I was sitting in her lap. और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तबला हारमोनियम वगैरह साइड में रखा गया, और सत्संग खत्म होने के बाद मैं अपने घुटनों पर चल के तबले के पास गया और तबले के साथ खेलने लगा। तब पिताजी को ऐसा महसूस हुआ कि बच्चा है तो एक अट्रैक्शन होता है तबले के लिए, तो वो तभी इतना ज़्यादा ये कुछ यू नो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं 2 साल का हुआ तब तक तो सत्संग चल ही रहा था, हर हफ्ते सत्संग में जाना है, चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करना है वगैरह वगैरह। तो 2 साल का जब मैं हुआ तभी मैंने सबसे पहले ताल कहरवा बजाया बिना किसी से सीखे। तब जाके पिताजी को ऐसा लगा कि ही वो सरप्राइज, और ऐसा लगा कि अरे ये बच्चा तो कहरवा बजा रहा है, तो इसे इस चीज में ज्यादा रुचि है तो हमें इस पे फोकस देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। तो वहाँ पे एक लोकल टीचर से थोड़ा कुछ तालों का बेसिक नॉलेज लेके वो शुरुआत हुई। और जब मैं 4 साल का हुआ तब मैंने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया आकोट में। और उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एज द यंगेस्ट तबला प्लेयर ऑफ इंडिया ये नाम दर्ज हुआ 92 या 93 में। और उस तरह से ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर बॉम्बे में पद्मश्री कल्याणजी भाई, आनंद जी भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो कल्याणजी भाई, कल्याणजी अंकल यहाँ पे बॉम्बे में लिटिल वंडर्स नाम का प्रोग्राम शुरू करने वाले थे उन दिनों में। और इस प्रोग्राम में अभी भारत की सबसे यू नो बहुत ही बड़ी गायिका सुनिधि चौहान जी, श्रेया घोषाल जी, साधना सरगम जी, जावेद अली जी, ये सारे कल्याणजी भाई के पास सीखते थे। और कल्याणजी भाई को जैसे पता चला कि ये 4 साल का लड़का बजा रहा है, तो उन्हीं के एक स्टूडेंट हैं संजीव ओमकार जी जो अमरावती से हैं। तो आकोट, अकोला, अमरावती सारा एक नज़दीक ही है। बिल्कुल नज़दीक है जी।
तो उन्होंने कहा कि ओजस और ओजस के पिताजी को आप मिल के आइए, और हो सके तो उनको मुंबई भी लेके आइए। तो हम सबसे पहले तो संजय भाई से मिले अमरावती में, और उन्होंने मुझे सुना और ये सजेस्ट किया कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कल्याण जी भाई से मिलने आइए बॉम्बे में। और कुछ ही दिनों में मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों कल्याण जी अंकल से मिलने आए बॉम्बे में। उन्होंने मुझे बाकायदा लाइव सुना उनके घर पे, 3 घंटा 4 घंटा हम लोग बैठे थे उनके म्यूजिक रूम में, और उन्होंने सब मिलके देख के ये सब ये एडवाइस दी पिताजी को कि बच्चे का भविष्य मुंबई में है, तो आप सोचिए अगर बच्चे का भविष्य आप देखना चाहते हो आगे तो आपको सब छोड़ छाड़ के मुंबई आना पड़ेगा। और मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे, सो उन्होंने ये डिसीजन लिया और 93 में हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए। बहुत ही बड़ा डिसीजन था बिल्कुल और सब छोड़ छाड़ के पूरी फैमिली के साथ मुंबई आना, इट्स अ टफ कॉल। बिल्कुल। और आपने सुनिधि जी का नाम लिया, सुनिधि के पिताजी ने भी ऐसा ही फैसला किया था, वो लोग भी दिल्ली में रहते थे और जी जी वो उन्होंने लोग भी कहा दिल्ली गया में कि रहते थे। हाँ कि आपको जाना चाहिए, मुंबई आना चाहिए, तो वो लोग भी मुंबई गए। और जस ये बताइए जी कि 2 साल की उम्र में तबले से खेलना कह लीजिए या सीखना शुरू कह लीजिए, 4 साल की उम्र में जी परफॉर्मेंस देना, और जी इतना स्पिरिचुअल सब कुछ माहौल, तो बचपन में बदमाशी बदमाशी का मौका मिलता था या बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों की तरह एकदम सब कुछ सब? बदमाशी बदमाशी का तो मौका बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे नेचर में शायद नहीं रहा, नहीं था तभी, और हालांकि अभी भी नहीं है बट बदमाशी सिर्फ तबले के साथ ही हुई है। सो वो ऐसे एक दो किस्से ऐसे हैं कि मैंने कभी कभार हथौड़ी उठा के तबले फोड़ दिए, ऐसा भी कुछ हुआ काफी बार। तो वो जरा तो वैसे बदमाशी वगैरह करने का कभी मौका मिला भी नहीं, तो उस दिन तो बहुत डांट तो पड़ी होगी जिस माहौल दिन आपने तबले को फोड़ दिया होगा, कि जी तबला तो एक तरीके से आपके लिए भगवान है। जी बट मे बी शायद ऐसा होगा कि शायद बचपने में कुछ, मैं शायद ट्यूनिंग करने गया गया और शायद कुछ बात बनी नहीं और तबला फट गया, ऐसा भी हुआ होगा मेरे हिसाब से। पिता के बैकग्राउंड को अगर देखें और फिर ये भी देखें कि म्यूजिक एज अ करियर कभी भी बहुत कम परसेंटेज लोग हैं इस देश में जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो करियर के तौर पर ही जाना है। सब लोग, सबके पेरेंट्स समझाते जी हैं बेटा ये भी कर लो लेकिन पढ़ाई मत डिस्टर्ब करो। आपके ऊपर जी कभी प्रेशर जी था कभी कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर्स आने हैं, या ये था कि नहीं बेटा तुम तबला बजाओ और बिल्कुल मन से तबला बजाओ, खूब सारा रियाज करो और पढ़ाई का जी प्रेशर मत लो? बिल्कुल। घर से मेरे फादर से और मेरी मदर से कभी ऐसा प्रेशर मिला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इसकी रुचि किस तरफ है। हाँ, लेकिन एक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एक डिग्री होनी बहुत जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट।
और उसके लिए जरूर जरूर पिताजी कहते थे कि पढ़ाई जरूर करना, लेकिन ऐसा फोर्स कभी किया नहीं कि आपको इतना परसेंटेज लाना होगा एग्जाम में या इतनी पढ़ाई करके ये बनना होगा या डॉक्टर बनना होगा। हालांकि मेरे पिताजी खुद डॉक्टर थे, तो उन्होंने ऐसा कभी प्रेशर कभी रखा नहीं, ना ही मेरे माँ ने रखा। तो ये एक बस एक म्यूजिक का माहौल मिलता रहा, और जो कि हम मुंबई में 93 में शिफ्ट हो गए, तो कल्याणजी अंकल के साथ मतलब हफ्ते में 2-3 बार उठना बैठना तो रहता ही था उनके साथ। तो काफ़ी सारे म्यूजिक सुन रहे हैं, क्लासिकल ऑफ कोर्स सुन रहे हैं, फिर गजल्स सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, बट साथ साथ मुझे गुरु की ज़रूरत थी। और तभी कल्याणजी अंकल ने, उनके बहुत ही खास बुजम फ्रेंड हैं जनाब मृदंग राज जी, जो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मुझे 5 साल का था तभी उन्होंने मुझे गंडा बंधाया, और उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सेप्ट किया एज अ सन, एज बच्चे की तरह, तब से 5 साल की उम्र से लेके आज तक वो तालीम चल रही है। तो ये ऐसा माहौल रहा कि घर पे किसी का कभी कोई प्रेशर नहीं रहा पढ़ाई के मामले में। अच्छा मुझे सी भी बताइए कि फादर डॉक्टर, फिर ये म्यूजिक क्या उनके अंदर कहाँ से आया, उनके अंदर कहाँ से ये पहचान आई कि उन्होंने उस वक्त पहचाना कि ओजस ने 2 साल की उम्र में कहरवा बजाया, या वहां जो कलाकार थे अगर उन्होंने भी अगर उनको बताया हो कि ये जो बच्चा बजा उन्होंने ये कहरवा है जी, फिर भी हालांकि तरह का टेस्ट कहाँ से आया आपके परिजनों में जी, फैमिली में? वैसे देखा जाए तो फैमिली म्यूजिकल बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा, फादर जरूर डॉक्टर थे लेकिन उनको थोड़ा कहीं ना कहीं सुनने का म्यूजिक का बहुत शौक था। अच्छा। और जब वहाँ पे जब सत्संग में जब मैं जाया करता था, तब वहाँ के जो बजाने वाले होते हैं उन्होंने शायद ये महसूस किया होगा कि ये बच्चा कहरवा ताल बजा रहा है। और ऑफ कोर्स इतने सालों तक हमेशा की प्रैक्टिस होती थी, पिताजी की भी जाना आना जाना, तो वो सुन सुन के उन्हें भी महसूस हुआ कि ये कहरवा ताल है। सो उनका भी उनकी भी रुचि फिर तबले की ओर बढ़ने लगी, जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा बचपन से, वैसे उनका भी ड्रेस तबले की और म्यूजिक की और बढ़ने लगा साथ साथ। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, जिस तरह के सिंसियर अप्रोच के साथ उन्होंने आपको सिखाना शुरू किया, जी आम तौर पर ये बहुत एक है, यूं तो बहुत बारीक सी लाइन है, लेकिन है लाइन के साथ ये तो लाइट म्यूजिक वाले लोग हैं और ये तो प्रॉपर क्लासिकल वाले लोग हैं। कल्याण जी आनंद जी के मतलब कल्याण जी के पास ले जाने का जो फैसला था, किसी बड़े नामी तबला वादक के पास ले जाना, वहां ना ले जाकर कल्याण जी के पास ले जाना, उसके पीछे कोई कहानी जरूर रही होगी या कोई सोच जरूर रही होगी? एक्चुअली जो ले जाने की बात है वो एक्चुअली हम मतलब क्या बोलते हैं कि एक बुलावा है, और पिताजी को ऐसा लगा कि ये इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हमें सामने से बता रहे हैं कि आप बच्चे को लेकर आइए, क्योंकि उन्होंने जब भी पता चला कि ओजस का नाम लिम्का बुक में आया हुआ है और बच्चा बजा रहा है 4 साल की 5 साल की उम्र में, तो उनको खैर ये प्रोग्राम शुरू करना था, लेकिन पिताजी को ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं कि इनके पास जाना चाहिए या इनके पास भी जाना चाहिए, जो भी है, क्योंकि ये एक वो कहते हैं कि इट वॉज अ गॉड्स ब्लेसिंग, अ गॉड्स ग्रेस, और उन्होंने जब बताया कि बच्चे का भविष्य, तो वो बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल क्या बोलते हैं भरोसा रखे और बात समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जो कल्याण जी भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा। वो एक विश्वास, वो विश्वास था पिताजी पे, पिताजी को उनके ऊपर बिल्कुल, और बिल्कुल वो घर जैसा, वो बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल हो गया था फिर हमारे और कल्याण जी अंकल के बीच में, तो वो एक इट्स स्टिल लाइक अ फैमिली एक्चुअली। मुझे लगता है इसका जवाब आप बहुत बेहतर दे सकते हैं कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो फिल्मी म्यूजिक है, ये क्या जाने क्लासिकल म्यूजिक, और ये तो बहुत ही कोई बहुत हल्की चीज है और बहुत ही आसान चीज है, जबकि अगर आप क्राफ्ट को देखिए किसी गाने के, तो 4-5 मिनट में आपको अपनी बात भी कह लेनी है, 4-5 मिनट के समय गाने में आपको कहानी भी कह लेनी है, उसमें तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल होते हैं। आप संभवतः बेहतर बता सकते हैं या ये कह सकते हैं कि फिल्मी म्यूजिक भी कहीं से आसान नहीं है, बस वो एक अपनी बात को कहने का दूसरा माध्यम है। जी वो है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं ये
मैं बात करना चाहूंगा कि जो कल्याण जी अंक को सिर्फ फिल्मी म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में ही नहीं, लेकिन उनके पास इतना अच्छा क्लासिकल नॉलेज था, उन्होंने खुद बहुत सारे रागों में क्लासिकल बंदिशें बनाई, जैसे मारवा में, राग मारवा में, किरवानी में, मियां मल्हार में, ऐसे बहुत सारे अन्य रागों में उन्होंने बंदिशें बनाई और उनको रुचि रही इस चीज की, और वो डेफिनेटली उनके म्यूजिक में झलकता था हमेशा। जो भी सही। गाने उन्होंने बनाए तो वो एक कंप्लीटली वो राग बेस्ड ही रहे बिल्कुल उस तरह से। और जो भी हम जब भी लिटिल वंडर्स का प्रोग्राम करते थे साधना जी, सोनाली जी, श्रेया जी, सुनिधि जी, सभी लोगों के साथ, तो लास्ट में कंक्लूडिंग परफॉर्मेंस वो एक क्लासिकल परफॉर्मेंस ही होना चाहिए, ताकि जो क्लासिकल का जो एस्पेक्ट है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो आम जनता तक पहुंचे। सो ये उनका एक फिक्स, उनकी एक फिक्स चीज रहती थी कि कुछ भी हो जाए क्लासिकल परफॉर्मेंस तो रहना ही चाहिए। तो उनकी बंदिशें लोग गाते थे, साधना जी गाती थी, श्रेया जी गाती थी, काफी लोग गाते थे रात में। अच्छा ओजस, मैं बहुत डिटेल में पढ़ चुका हूं कि आपने कितने बड़े जी बड़े उस्तादों के साथ, पंडितों के साथ संगत की है। उस पर भी मैं आऊंगा, उनसे जो आपको आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन चूंकि जिस सिलसिले में जी बात चल रही है, उसमें मैं ये जानना चाहूंगा, क्या जी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने कहा कि नहीं यार, वो ओजस तो ना वो बहुत कोई ऐसे घराने से नहीं आता, या कोई किसी ऐसे बहुत सिंसियर तबला वादक के परिवार से नहीं आता, या उसने उनसे नहीं सीखा है, इसलिए मैं उसके साथ संगत नहीं करूंगा, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी थी, क्योंकि बचपन से ही गुरुजी से तालीम ऐसी मिली कि वो जो एक ट्रेडिशनल चीजें होती हैं तबले में, मैं हालांकि अजराडा घराने से, दिल्ली घराने से ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद मृदंगराज जी जो हैं, उन 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 उन्होंने उस्ताद नियाजु खान साहब से सीखा, जो मेरठ के हैं, मेरठ के थे। तो उनकी जो तालीम है वो इतनी पुख्ता और इतनी रिच, इतना रिच ट्रेडिशन उनको मिला, तो वो सिलसिला मुझे मिलता गया, और मैं उसको बचपन से, 5 साल की उम्र से उसको लेता गया। और कहीं किसी चीज में कोई गिमिक्स नहीं, कोई कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। क्लासिकल म्यूजिक में जो ट्रेडिशनल तबला सोलो में चाहिए वो चीजें होनी चाहिए सिस्टमेटिक, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम अकम्पनीमेंट में किस तरह की अकम्पनीमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने काफी अकम्पनीमेंट के लिए उन्होंने काफी मुझे बताया कि क्या होना चाहिए, संतूर के साथ कैसा बजना चाहिए, फ्लूट के साथ कैसा बजना चाहिए, सितार के साथ कैसा बजना चाहिए, और गाने वालों के साथ कैसा बजना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं गाने वालों के साथ। मैं जैसे अभी बजाने का मौका मिलता है तो मुझे ये पता चलता है कि अगर उस्ताद राशिद खान साहब के साथ बजाना है तो उनके साथ बजाने का अंदाज अलग है, अगर कौशिकी चक्रवर्ती जी के साथ बजाना है तो उनके साथ बजाने का अंदाज है, क्योंकि दोनों का घराना अलग है, दोनों की स्टाइल अलग है। अगर मैं दोनों की स्टाइल में एक ही तरह का बजाना रखूं, एक ही तरह की प्लेइंग रखूं, तो वो शायद वो ब्लेंड ना हो। तो ये सारी तालीम बचपन से मिली, और साथ साथ में काफी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी बड़े बड़े तबला प्लेयर्स की, कलाकारों की। तो ये इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, एंड इट्स स्टिल अ लर्निंग प्रोसेस। जितना बजाते हैं उसी टाइम उतना उतना सीखने भी मिलता है। सो आपने जो कहा, आपने जो बताया, वैसा कभी मौका नहीं मिला, हालांकि सबने प्यार किया। अगर कुछ चीजें, अगर कुछ गाइडेंस मिला है तो काफी लोगों से ऑफकोर्स मिला है, वैसे तो हमेशा मिलता रहा है। तो या गॉड इज काइंड। मैं यहीं पे आने वाला था इस सवाल में, कि अब बात कर लेते जी हैं, आप अमजद अली खान साहब से लेकर, शिव कुमार शर्मा जी से लेकर, राशिद भाई का नाम आपने ले ही लिया, कौशिक जी जी का जी नाम जी आपने ले ही लिया, कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए, कुछ ऐसी यादें बताइए जब पीठ पर आकर किसी बड़े उस्ताद, बड़े पंडित ने ऐसे ठोका हो, कहा बेटा बहुत अच्छा बजा रहे हो। एक्चुअली प्यार आशीर्वाद तो मिला सबसे, और काफी सीखने मिला जैसे मैंने बताया। एक
किस्सा बताना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला साथ शुजात खान साहब और आशा भोसले जी के साथ बजाने का। ये लंदन में प्रोग्राम, हमारे 3 प्रोग्राम थे, और मुझे छोटा सा सोलो पार्ट बजाने दिया था आशा जी ने और शुजात खान साहब ने। तो जैसे ही मेरा सोलो खत्म हुआ और आशा जी बाजू में ही बैठे थे स्टेज के ऊपर, वो इतना खुश हुए, इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने कि वो माइक लिया तुरंत उन्होंने और कहा कि अरे वाह 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 पंडित जी, क्या बात है क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। तो वो जिस तरह से उनका जो एक प्रेजेंस था और जिस तरह से उन्होंने मुझे मुझे इतना सराहा और इतनी दुआएं दी, वो एक वाकई में ऐसा लगा कि उनके दिल से वो आशीर्वाद निकल रहे हैं। वो चीज मैं हमेशा याद रखूंगा। ओजस के साथ इस बातचीत में अभी एक ब्रेक लेते हैं। कल रात एक बार फिर हमसे जुड़िएगा ठीक 9 बजे और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।